वार्ड परिषद प्रियंका देवी प्रतिनिधि दीपक कुमार गुप्ता और दीपू के द्वारा मीराचक महावीर स्थान में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। प्रोग्राम का पर्पज 500 लोगों का हाथों हाथ केवाईसी करवाना था। वार्ड नंबर 32 की सभी जनता ने दीपू जी का धन्यवाद दिया और कहा कि वो लोग लगभग 10 या 12 दिन से केवाईसी के लिए इधर उधर भटक रहे थे और उनकी कोई सहायता नहीं कर रहा था। लोगों को, खासकर वार्ड नंबर 32 की जनता को अबीर लगाकर एक दूसरे का लोगों ने खासकर 32 वार्ड की जनता ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर अभिवादन किया और कहा कि जिस तरह हमारे वार्ड की जनता ने पिछले चुनाव में अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दिया था, उसी पर वो दोबारा से खरे उतरने का काम करेंगे और भविष्य में ऐसा ही काम करने की आशा रखते हैं। रखा गया है और होली मिलन भी रखा गया है, तो आज कार्यक्रम का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हम 5 साल कार्य हुआ पेंशनधारी को, अपने सालों साल अपने वैसी कराते हैं जी, अपने देख रेख कराते हैं जी, इसी पेंशनधारी को पैसा नहीं रोकते जी। अब बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कार्ड ब्लॉक भी गया, जैसे KYC वगैरह, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि 36 आदमी मेरा पेंशन बंद था वार्ड में, लगभग 28-30 आदमी का पैसा आ चुका है। ऐसा है कि 5-6 आदमी का पैसा नहीं आया होगा, कुछ आधार कार्ड में कुछ फोल्ट कारण नहीं आता। अभी कितने आदमी का आप लेकर चल रहे हैं, कितने आदमी का अभी सुधारा जा सकता है? अभी तो जितने भी लोग आएंगे उतने लोग को सुधारा जाएगा जी। अभी आपके वार्ड के सभी लोग हैं कि अदर वार्ड के भी हैं? लगभग मेरे वार्ड के भी अगल बगल कोई वार्ड हम लोग बांटे नहीं है जी, भी जानता है कि उसका KYC होगा जी। अभी और कहना चाहिए, होली मिलन भी आप रखा गया, इसके लिए कुछ खास प्रोग्राम भी है? होली मिलन इसलिए रखे हुए कि मेरे देख रहे हो 5 साल कार्य हुआ जी, इसलिए होली मिलन रखे हुए। मुख्य अतिथि में कौन कौन है? कौन कौन है मुख्य अतिथि भी कोई है यहाँ? मुख्य अतिथि मतलब चीफ गेट में भी कोई है कि सिर्फ आप ही हैं? कोई नहीं है। और डिप्टी अभी ये मेयर प्रत्याशी अलग अलग जगहों से अपना अपने दावेदारी पेश कर रहे थे, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए सबसे बड़ी हुई है कि नगर निगम में जो क्षेत्र के मेयर के चुनाव हो रही है जी, जनता चुनेंगे, बहुत बहुत हम खुशी हैं, ऐसा होना चाहिए क्योंकि विकास होगी जी, विकास के मुद्दा पे चुनाव चले। आपका नाम भी बहुत सरगर्मी में से आ रही है, कोई बात नहीं जी। आप इस बार अभी ऐसा कोई बात, अपने वार्डों को देख रहे हैं, वार्डों को ध्यान दे रहे हैं। और जहाँ तक दीपू जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वार्ड पार्षदों का पावर खींच लिया मेयर चुनने में, जनता के बीच रखा, उसमें आप क्या कहिएगा मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री जनता को पावर दे दिए चुनने के लिए, बहुत हमको अच्छा लगे जी। आप उसके लिए बहुत खुश हैं जी, पूरा पता बता दें, नाम बता दें। वार्ड पार्षद आरा से अजय सोनी की रिपोर्ट।